Hello everyone, welcome to this session of Testbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Testbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Testbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे channel को जरूर से subscribe कर लीजिए. अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं UGC NET SET JRF, Assistant Professor या PhD related exams की. So learners, this is my Telegram group. For all important updates, do join my Telegram group. सो लर्नर्स, आज हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है. जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं विच आर बेस्ड ऑन आईसीटी बेस्ड टूल्स यूज्ड फॉर टीचिंग. सो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर पूछा गया है, जिसे हम आज के सेशन में सॉल्व भी करेंगे और इसके बाकी जो ऑप्शन है उसे भी समझेंगे. सो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड फॉर वर्चुअल लैब एंड सिम्यूलेशन. तो जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे हम वर्चुअल लैब की बात करें, सिमुलेशन की बात करें, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल थोड़े नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं. तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन थे प्लोटागन, वेकलेट, फेट इंटरैक्टिव सिमुलेशन फेट एंड फ्लिपग्रिड. तो ये चार इसके ऑप्शन थे और इसमें आपको बताना था इनमें से वो कौन सा टूल है जिसका इस्तेमाल हम वर्चुअल लैब या सिमुलेशन के लिए करते हैं. अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता हो या इसके बारे में नहीं कोई जानकारी हो, तभी भी आप देख सकते हैं कि सिमुलेशन शब्द का उपयोग इस पर्टिकुलर ऑप्शन में किया गया है. मगर ये फेट इंटरैक्टिव सिमुलेशन है क्या, ये भी समझेंगे. और प्लोटागन, वेकलिफ्ट और फ्लिपग्रिड काफ़ी सिमिलर लाइन्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये भी क्या काम करते हैं इसके बारे में भी हम समझेंगे. तो सबसे पहले तो ये समझिए कि फेट है क्या और फेट का फुल फॉर्म क्या है. तो फेट इंटरैक्टिव सिमुलेशन जो है ये एक प्रोजेक्ट है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर ने क्रिएट किया है, बेसिकली मैथ्स और साइंस सिम्यूलेशन के लिए. अब आप लोग जानते हैं मैथ्स और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत जितना इंटरैक्टिव उसे बनाया जाए उतना ही वो अच्छे से समझ में आता है. तो सिमुलेशन टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाया गया है. अब फेट सिमुलेशन जो है वो बेस्ड है एक्सटेंसिव एजुकेशन रिसर्च एंड एंगेज स्टूडेंट थ्रू एन इंट्यूटिव गेम लाइक एनवायरमेंट. नाउ इसमें नया क्या है, फेट सिमुलेशन जो है इसके माध्यम से बच्चों को गेमिफिकेशन के माध्यम से हम मैथ्स और साइंस पढ़ा रहे हैं. जैसा आप जानते हैं कि ये जो प्रेजेंट जनरेशन है वो हर चीज़ में गेम खोजती है, गेम वाला एनवायरनमेंट उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. तो वैसा ही कुछ सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट तैयार करके, गेम लाइक एनवायरनमेंट तैयार करके कंसेप्ट्स मैथ्स और साइंस के इन्हें बताए जा रहे हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स कैन लर्न थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी. तो जो हमारे कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के, मेथड्स जो हैं डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन, उसको हमने नए टेक्निक में कन्वर्ट कर दिया है. ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है करीब 200 सिमुलेशंस वाले टॉपिक्स को कवर करता है जो कि अलग अलग फील्ड्स ऑफ साइंस को कवर करते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अर्थ साइंस एंड बायोलॉजी. तो इन सभी सब्जेक्ट्स के, इन सभी फील्ड्स के जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही इंटरैक्टिव गेम्स के माध्यम से बच्चों को सिखाने की जो प्रक्रिया है वो फेट इंटरैक्टिव सिमुलेशंस के द्वारा की जा रही है. और ये जो क्रिएट किया गया है ये प्रोजेक्ट, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर का किया हुआ है. नाउ वील हैव अ क्विक लुक एट दी अदर ऑप्शंस. बाकी ऑप्शंस क्या करते हैं, तो पहला ऑप्शन है हमारा प्लोटागन का. तो प्लोटागन मैंने आपको पहले सेशंस में भी बताया है कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको एनिमेटेड वीडियोस और स्टोरीज क्रिएट करने में मदद करता है. जैसे अगर आपको कोई कंसेप्ट को विजुअलाइज करना है एनिमेटेड फॉर्म में तो आप प्लोटागन के माध्यम से कर सकते हैं. सो इसका कोई वर्चुअल लैब या सिमुलेशन से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इसका कोई साइंटिफिक या एजुकेशनल रिसर्च से मतलब है. तो प्लोटागन सीधे सीधे एक एनिमेटेड वीडियो या स्टोरीज बनाने के लिए यूज करने वाला एप्लीकेशन है. दूसरा है वेकलेट. वेकलेट आपका एक कंटेंट क्यूरेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसके माध्यम से आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एकाग सामग्री का संग्रहण कर सकते हैं जो कि जो यूजर्स हैं उनका काफ़ी मदद करता है उनको अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने का और लोगों के साथ शेयर करने का. सो बेसिक यहाँ फोकस जो है वो कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट शेयरिंग से है वेकलेट का. और फ्लिपग्रिड की अगर हम बात करें तो फ्लिपग्रिड एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो एजुकेटर्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और नॉट ओनली दैट ये जो रिस्पॉन्स आता है बच्चों का वो वीडियो फॉर्मेट में आता है. सो बेसिकली यहाँ पे बच्चों के साथ डिस्कशन और शेयरिंग जैसा एनवायरमेंट को क्रिएट करने के लिए फ्लिपग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है. सो
These were the various options and learners टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग का दिसंबर 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी लाइव जा रहा है विथ पेपर वन एंड ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर टू. तो एक परफेक्ट तैयारी अगर आप भी करना चाहते हैं फॉर दिसंबर एग्जाम तो दिस इज द राइट टाइम. यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन द फाउंडेशन कोर्स. सो ये सारी पढ़ाई जो होगी आपकी लेटेस्ट पैटर्न पे होगी और आपको समय समय पर गाइडेंस मिलती रहेगी. प्रैक्टिस क्वेश्चन और स्ट्रक्चर्ड स्टडी नोट्स के माध्यम से आप अपनी दिसंबर की तैयारी कर सकते हैं. सो बिसाइड्स लर्नर्स ये हमारी फ्री क्लासेस के टाइम जो कि बायलिंगुअल में होती हैं और एक्सक्लूसिव इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हुई हैं जो कि हमारे इंग्लिश चैनल पे 11 बजे कंडक्ट की जाती हैं. मेरी क्लासेस का टाइम ट्यूसडेज और थर्सडेज को 11 बजे है. सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हैड बीन यूजफुल फॉर यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और किसी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.